गंगा एवं सहायक नदियों का भू क्षेत्र दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इससे पारंपरिक रेलवे और रोडवेज पर अत्यधिक बोझ पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण को निरंतर खतरा बना रहता है। इस समस्या के दूरगामी समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही के लिए देश के विशाल नदी नेटवर्क का उपयोग करने वाले जलमार्गों की भूमिका को सुनिश्चित किया है, जो देश के सुदूर इलाकों को भी भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेगा। उन्होंने देश भर में 111 जलमार्ग विकसित करने की शुरुआत की और भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को नदियों को कार्गो और यात्री आवाजाही के लिए सुगम बनाने के लिए सौंपा। जलमार्ग पर्यावरण के अनुकूल है, जहां ये एक तरफ कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये किफायती भी है और इसमें बड़े और अधिक वजन वाले कार्गो को सुचारू रूप से ले जाने की क्षमता है तथा इसमें भूमि अधिग्रहण की समस्या भी नहीं रहती। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने विश्व बैंक के सहयोग से जलमार्ग विकास परियोजना शुरू की, जिसमें गंगा नदी पर 1390 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग एक के विकास को प्राथमिकता दी गई, जो वाराणसी को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर जलमार्ग 2 और 16 के द्वारा इसे भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों को एक साथ जोड़ता है और इनके प्रमुख शहरों और औद्योगिक गलियारों हल्दिया, कोलकाता, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गाजीपुर, वाराणसी को भी आपस में जोड़ता है। जलमार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य बल्क और हैवी औद्योगिक कार्गो का परिवहन करना है तथा गंगा नदी के तट पर बसे गांवों एवं कस्बों को नदी में यातायात के एक माध्यम से जोड़ना है। माननीय प्रधानमंत्री ने छोटे व्यवसायों, किसानों, स्थानीय व्यापारिक समुदायों की क्षमता को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना के दायरे को विस्तारित करने का निर्णय लिया, जिसे जलमार्ग विकास परियोजना 2 नाम दिया गया, जो नदी के किनारे दुर्गम इलाके में बसे आम लोगों को समर्पित है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर 60 से अधिक सामुदायिक जेटियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी के तट पर बसे लगभग 7,50,00,000 लोग लाभान्वित होंगे। इनके माध्यम से स्थानीय उत्पादों की आवाजाही आसान हो सकेगी। इससे इनके व्यापार के दायरे को बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र का समग्र विकास होगा, जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा। इन सामुदायिक जेटियों को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, कंक्रीट फ्लोटिंग जेटी, HDPE फ्लोटिंग जेटी और फ्लोटिंग स्टील पॉन्टून जेटी। इन सभी घाटों में रैंप, शेडेड वेटिंग एरिया, सार्वजनिक सुविधाएं, टिकटिंग काउंटर, एडमिन रूम, सोलर लाइट आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 15 मीटर लंबी, 4.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची सामुदायिक जेटी के डिजाइन को IIT खड़गपुर द्वारा मान्यता दी गई है। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से बने चौकोर मॉड्यूलर बक्से से इन जेटियों के फैब्रिकेशन की शुरुआत होती है। बक्सों को GI फ्रेम में सजाया जाता है, जिसे टी शेप गैंगवे कहा जाता है, जिस पर एल्यूमिनियम की चादर से डेकिंग की जाती है। इस तरह एक टी आकार का मजबूत प्लेटफॉर्म बन जाता है और उसके ऊपर टेंसाइल कैनोपी यानी कि छत बनाई जाती है, जो यात्रियों को धूप और बारिश से बचाएगी। सामुदायिक जेटी के बन जाने के बाद उसे स्पीड बोट से खींच कर ले जाया जाता है और तय जगह पर बांध दिया जाता है। इस जेटी को कभी भी कहीं भी ले जाया जा सकता है और तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है। इन सारी सामुदायिक जेटियों को निर्माण के पश्चात स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जो आने वाले समय में इनका परिचालन और रखरखाव करेगी। हर साल बाढ़ के कारण गंगा नदी के बहाव में बदलाव आता रहता है और ऐसी स्थिति में इस तरह के सामुदायिक जेटी लोगों की आवाजाही को सुचारू रूप से बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 80 घाट और कैथी, वाराणसी और गाजीपुर स्टीमर घाट में
3 सामुदायिक जेटियों का निर्माण किया जा चुका है एवं 15 और जेटी वाराणसी जिले के राजघाट, रामनगर, बलुआ घाट, सामने घाट और डूंगरपुर, जमानिया, चोचकपुर, सैदपुर, भरौली, मझुआ, कंसपुर और शिवपुर में NW1 के वाराणसी बलिया खंड पर स्थापित किए जा रहे हैं। 250 किलोमीटर लंबे वाराणसी बलिया खंड में 15 सामुदायिक जेटी बनाए जाएंगे, जिससे उस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का एक नया अध्याय शुरू होगा। इन जेटियों में कृषि उत्पाद, फूल, मछली, अनाज और ऐसे अन्य स्थानीय सामान को निकट के बाजारों में पहुंचाने में आसानी होगी। सामुदायिक जेटी विशेष रूप से वाराणसी जैसे स्थानों में स्थानीय पर्यटन के अवसरों को विकसित करने में मदद करेंगे, जहां साल भर देसी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही होती है। इन इलाकों में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जो विदेशी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। इससे जल पर्यटन को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। सामुदायिक जेटियों के निर्माण से छोटे व्यापारियों, किसानों और नदी के किनारे रहने वाले आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और खुशियों की एक नई सौगात लाएगी। हाँ गंगा